Hi guys, welcome back to my channel. Today we are going to discuss about the type 4 hypersensitivity or delayed type hypersensitivity reaction. This is the last type of hypersensitivity reaction that we are going to discuss. अब हमें पता ही है हमारी कौन सी रिएक्शन है, बाकी सारी जो है हमारी वो ह्यूमरल है, और ये जो हमारी वो सेल मेडिएटेड रिएक्शन होती है, सेल मेडिएटेड से जो है ये डेवलप होती है। तो हम स्टार्ट करते हैं टाइप 4 और डीटीएच। हमें पता है कि जब हमारे टीटीएच सेल जो है एनकाउंटर करते हैं सर्टेन टाइप ऑफ एंटीजन से, तो वो कुछ सिक्रीट कराएंगे। तो वो क्या सिक्रीट कराते हैं हमारे, वो साइटोकाइन सिक्रीट कराते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो है वो लोकल इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन जो है वो इंड्यूस्ड होती है, जिसे हम बोलते हैं डीटीएच और डिलेड टाइप हाइपरसेंसिटिविटी। जो हमारे टी एस सेल्स एनकाउंटर करेंगे एंटीजन से, तो वो एक साइटोकाइन सिक्रीट कराते हैं, जिसकी वजह से हमारा इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होगी। इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन जो इंड्यूस हो रही है उसे हम बोल देते हैं डीटीएच। इसके काफ़ी सारे लार्ज इन्फ्लुएंसेस है जिससे ये करेक्टराइज होती है, जैसे कि नॉन स्पेसिफिक इन्फ्लेमेटरी सेल्स हो गए मैक्रोफेजेस में, मैक्रोफेजेस जो है इनको करेक्टराइज कराते हैं। इसको अब डिस्कवर्ड किसने किया था टाइप 4 और डीटीएच रिएक्शन को, रॉबर्ट कॉच इन 1890। रॉबर्ट कॉच ने जो है इन्हें डिस्कवर किया था 1890 में। इनका जो रिस्पॉन्स है डीटीएच का या फिर टाइप 4 का, वो हमेशा ही कैसा होता है हमारा, डेट्रीमेंटल, मतलब कि स्पेसिफिक होता है। कुछ केसेस में जो ये हमारा एक्सटेंसिव टिश्यू डैमेज कर सकती है, लेकिन मोस्टली ये उन्हें ही डैमेज करती है जहाँ पे जो हमारी फॉरेन सेल्स या फिर पैथोजेंस वगैरह हैं, सिर्फ उसे ही डैमेज करती है। कुछ केसेस में ऐसा देखा गया है कि एक्सटेंसिव टिश्यू डैमेज कॉज करा देती है, लेकिन काफ़ी केसेस में जो टिश्यू डैमेज है वो हमारा लिमिटेड ही होता है और एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है डिफेंस में। तो ये बहुत ही अच्छी बात है इस रिएक्शन की, ये सिर्फ एक लिमिटेड ही टिश्यू डैमेज जो है वो कॉज करती है और एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी ये रिएक्शन डिफेंस में। इसके काफ़ी सारे फेजेस हैं। बिगिन कैसे होती है, इसका जो इनिशियल फेज है वो होता है हमारा सेंसिटाइजेशन फेज। ये हमारा 1 to 2 week होता है आफ्टर द प्राइमरी कॉन्टेक्ट विद एंटीजन, मतलब कि किसी एंटीजन से ये फर्स्ट टाइम कॉन्टेक्ट करी है, तो उसका जो फर्स्ट फेज होगा वो होगा हमारा सेंसिटाइजेशन फेज। और ये कब स्टार्ट होता है हमारा, 1 to 2 weeks, मतलब कि 1 to 2 weeks बाद जो है ये फेज हमारा स्टार्ट होता है जब हम किसी एंटीजन से कॉन्टेक्ट में आते हैं। तो ये क्या करेंगे, इसमें क्या होता है कि हमारे सेल जो है वो क्लोनिकली एक्टिवेटेड होते हैं, क्लोनिकली, और वो हमारे एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स क्लास सेकेंड एमएससी के साथ जो है वो रहते हैं। तो हमारे वेराइटी ऑफ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं इसमें जो कि एक्टिवेशन कराते हैं, जिन्हें जैसे कि हमारे लैंग्रियन सेल्स हो गए, मैक्रोफेजेस हो गए, ये कुछ हमारे और सेल्स हैं जो कि हमारे एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं और वो एक्टिवेशन में इंक्लूडेड है। लैंग्रियन सेल्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, मैक्रोफेजेस के बारे में आपने पढ़ ही रखा होगा। तो ये जो टी सेल्स हमारे सेंसिटाइजेशन के टाइम पे होते हैं वो मोस्टली हमारे CD4 पॉजिटिव होते हैं, लेकिन कुछ केसेस में जो है CD8 पॉजिटिव भी पाया गया। मोस्टली जो सेंसिटाइजेशन फेज में टी सेल्स होते हैं वो CD4 पॉजिटिव होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे केसेस देखे गए हैं, एक्सेप्शन आर एवरीवेयर, तो कुछ ऐसे केसेस हैं जिनमें CD8 पॉजिटिव भी देखा गया। तो इन टी सेल्स को हम क्या बोल देते हैं, TH1 सेल्स। क्या बोल देते हैं, TH1 सेल्स। अगर हमारा सब्सिक्वेंट एक्सपोजर हुआ, मतलब कॉन्टिन्यूसली सेम एंटीजन से हमारा सेकेंड टाइम एक्सपोजर हो गया, तो उसको हम उस टाइम पे सेंसिटाइजेशन फेज हमारा खत्म हो जाएगा और इफेक्टर फेज जो है वो स्टार्ट हो जाता है। इस फेज में क्या होगा कि हमारा TH1 जो है वो वैरायटी ऑफ साइटोकाइंस को जो है वो सिक्रीट कराएगा और एक्टिवेट करेगा हमारे मैक्रोफेजेस और बाकी नॉन स्पेसिफिक इन्फ्लेमेटरी सेल्स को, जिससे कि वो क्लियर कर सके उस एंटीजन को। तो अब जो डीटीएच रिस्पॉन्स है वो हमारा ये नहीं है कि एकदम सड़ता है, एटलीस्ट 24 आवर्स उसे चाहिए सेकेंड कॉन्टेक्ट के बाद, मतलब जो हमारा एंटीजन के साथ सेकेंड कॉन्टेक्ट हो गया उसके बाद भी 24 आवर्स बाद जो है ये रिस्पॉन्स जो हमारा वो जनरेट होता है। जनरली ये 48 से 72 आवर्स में जो पीक भी कर जाता है सेकेंड कॉन्टेक्ट के, 48 से 72 आवर्स के बीच में पीक, इसकी जो पीक है वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाएगी। तो ये जो डीटीएच रिस्पॉन्स है हमारा फुली डेवलप्ड हो जाएगा, तो जो हमारे TH1 सेल्स हैं जो रेस्ट पे हैं मैक्रोफेजेस, वो सिर्फ 5% ही रह जाते हैं, बाकी सारे जो हमारे वो एक्टिवेट हो जाते हैं। तो मैक्रोफेजेस जो हमारे ये प्रिंसिपल इफेक्टर हैं, इन्फ्लेक्स और एक्टिवेशन जो हो रही है हमारी मैक्रोफेजेस की वो इम्पॉर्टेंट है हमारे होस्ट डिफेंस अगेंस्ट पैरासाइट्स। हमें पता है कि जो भी हमारी एक्टिवेशन हो रही है मैक्रोफेजेस की वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डिफेंस में, चाहे वो पैरासाइट के अगेंस्ट हो या फिर बैक्टीरिया के अगेंस्ट जो हमारी बॉडी के अंदर रह रहे हैं, हमारी एंटीबॉडीज के साथ जो है वो सर्कुलेट कर रहे हैं। तो
ये सब जहाँ पे हमारी एंटीबॉडीज जो है वो रीच नहीं कर पा रही, तो उसके लिए हमारे जो है मैक्रोफेजिस को जो है वो एक्टिवेट कराया जाता है। अब हम पढ़ेंगे लिंगरिंग सेल्स। लिंगरिंग सेल्स मैंने बताया था कि क्या कहते हैं, हमारे सेल्स होते हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं एक्टिवेशन में। तो लिंगरिंग सेल्स क्या है, हमारे डेंड्रिटिक सेल्स होते हैं, एपिडर्मिस में इन्हें देखा गया है। तो ये क्या करते हैं, हमारे एंटीजन को पिक करते हैं जो कि हमारे स्किन से एंटर कर रहे हैं। अगर हमारे स्किन से कोई एंटीजन एंटर कर रहा है तो उसको कौन पिक करेगा, लिंगरिंग सेल्स जो है उन्हें पिक करेंगे, उनको रीजनल लिम्फ नोड तक ट्रांसफर कराएंगे, मतलब ट्रांसपोर्ट में उनकी हेल्प करेंगे, जहाँ पे हमारे टी सेल जो है वो एक्टिवेट होता है और वहाँ से वो जो है वो डेथ हो जाएगी उनकी और उनका बॉडी में से क्लियर हो जाएगा। तो ये था हमारा टाइप 4 हाइपरसेंसिटिविटी और DTH रिएक्शन। दैट्स इट, थैंक यू सो मच, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू सो मच।